जमीन में भूत है तो कर दिया जाए करनी है तो ऐसे ही लगा देती हम जा रहे नीचे खबर देने हमारी बाइक में सो रहा है हम देख लेंगे 50-50 ग्राम वहीं में से खा लेंगे हवा कर दो ना तो जाएगा 100 ग्राम लेके आएगा तो कहाँ से लेगा चल ठीक और फिर इसके बाद हो गया था दोपहर और मैं खाना कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे भूख लगेगा तब बनाना सुबह चाय बिस्किट खा के बैठी हुई थी और रात का इधर खाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा था तो फेंका जा रहा था जिसकी वजह से नहीं बनाई थी तो मैं मैगी बना रही थी ये बोले हस्बैंड बोले मैगी और रोटी बना दो और ये मैगी रोटी बहुत चाव से खाते हैं तो मैं बना रही थी मैगी मसाला तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं और मेरा एक तरह से ब्लॉग भी हो जाएगा रेसिपी भी हो जाएगी है ना तो फिर मैं मैगी मसाला बनाने लगी थी और इसमें मैं कुछ नहीं बस जीरा का फ़ोरन दी थी और हल्का सा क्या बोला जाता है हींग डाली थी और हरा मिर्च लहसुन और प्याज बारीक काट कर डाल दी थी और जब भुंजा गया था मतलब गोल्डन कलर हो गया था ब्राउन कलर तो फिर टमाटर डाल दी थी और मसाला डाली थी मैं जो डेली रेगुलर यूज में जो रखती हूँ वही मसाले डाली थी मतलब हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्च पाउडर हल्का सा मिर्च पाउडर डाल दी थी उससे ना कलर अच्छा आता है और फिर ये टमाटर भी डाली थी और इसी तरह से नमक डाल दी थी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए और बस ऐसे ही भून कर आप लोग भी तो बनाते ही होंगे मैगी है ना और मैं ऐसे ही बनाती हूँ मैगी और पानी डाल दी थी जब पानी अच्छे से खोल जाएंगे बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद मैगी डाल देंगे और लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था लाइट इधर अब गर्मी आई ना तो लाइट जल्दी आती नहीं है बहुत ज़्यादा कटती है पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आजकल हो रहा है यहाँ पे बेटी मेरी ये बोतल रखी थी ऊपर ले जाके रखने के लिए छत्ते पे जो नहीं रखी थी तो पता नहीं बाबू उठ गया था तो उसी को खिलाने ले गई थी अरे देखिए मैं ना बैक कैमरा से जो फ्लैश लाइट था उसी से जो इतनी रोशनी आ रही थी उसी में मैं सोची रिकॉर्ड भी करती जाऊँगी और सब दिखता भी जाएगा तो नहीं सॉरी बाबू सोया हुआ था अभी देख रही हूँ है ना रिकॉर्ड करते टाइम और शूट एडिट करते टाइम भूल जाती हूँ क्या क्या इसमें था और ये देखिए मैं मैगी ना ऐसे ही लेकर आई थी बाज़ार से मतलब 50 रुपये केजी मिल रहे थे तो मैं लेकर आई थी और आज हाँ तो पैंट उतार दो बाबू सोया हुआ था ना मैं आज इंजेक्शन दिलाने भी गई नहीं उसका टीका लगा तो इसका ब्लॉग आएगा बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं देखिएगा बाद में अरे देखिए ऐसे ही प्लास्टिक में मैं लाकर रखी थी मैगी 50 रुपये केजी था तो ऐसे ही रख देती हूँ प्लास्टिक में मतलब क्या करूँ डब्बा कितना कहाँ से इतना करूँ अरेंज बहुत डिब्बे हो जाते और फिर मैगी डाल देती हूँ उसी में से बना देती हूँ इधर फिर लास्ट में हल्का सा मेरे पास मैगी मसाला था तो वो डाल दी मैगी मसाला डाल दी थी और बाबू उठ गया और आज सैटरडे एडिटिंग कर रही हूँ तो सैटरडे है आज नवरात्रा भी आज से स्टार्ट हो गया चैती नवरात्रा है ना तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रा और फिर इसके बाद देखिए हस्बैंड उधर बैठते हैं खाने के लिए तो मैं भूल जाती हूँ और आटा भी उधर लगा ली थी कि रोटी बना दूँगी जल्दी जल्दी उधर मैगी भी और गरम गरम रोटियाँ सेक जाती है ये देखिए पूरी तरह से मेरी मैगी बनकर तैयार है आप सब भी आकर खा लीजिए मैगी रोटी कौन कौन खाया है मैगी रोटी मैं बहुत खाई हूँ मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते मेरी बेटी भी खाती है सारे लोग खाते अरे देखिए इधर रोटी भी मेरी सेक गई थी मतलब कुछ रोटी सेक ली थी तो इनको ऐसे ही मतलब निकाल कर दे देती हूँ तो ये खा भी लेते हैं और मैं इधर रोटी बना भी रही थी और क्या क्या बोलूँ भूल जाती हूँ बोलना मैं और मेरे इस किचन को इग्नोर कीजिएगा है ना छोटी सी जगह है जो मन में आता है जैसे आता हो वैसे सब एडजस्ट कर देती हूँ और इधर फिर हस्बैंड को बोल रही थी ब्रश करने के लिए वो ब्रश नहीं किए थे तो वही ब्रश के लिए बोल रहे थे मतलब 12:01 बज गया था और ब्रश नहीं किए थे तो ये देखिए मेरी मैगी रोटी बनकर तैयार है
और फिर अभी ईटिंग कर रही हूँ ना, तो ये दोपहर है और ये ब्लॉग मेरा कब जाएगा ये तो नहीं पता। ऐसे एक ब्लॉग आज का एडिट करके रख दी हूँ, ये ब्लॉग संडे तक चला जाएगा। और फिर इधर हस्बैंड को दूध भी दे रही थी मैं, दूध आधी के जी मंगाती हूँ ना, गाय का दूध है तो हस्बैंड जिस दिन रहते हैं मैं उनको देती हूँ ताकि वो भी कुछ खा पी ले, है ना, क्योंकि ट्रक पे रहते हैं तो इतना तो खाना हेल्दी उन लोग को मिलता नहीं है। और फिर हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो कम से कम पानी डाल देती हूँ ना, तो रूम में थोड़ा सा थोड़ा बहुत राहत मिलता है। मेरा रूम इतना गर्मी करता है मत पूछिए। ये देखिए जेली वाला लॉलीपॉप खा रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। और बहुत दिन से मैं आप लोगों को ये सब नहीं दिखा रही थी, नज़ारा है ना। ये देखिए कैसा एकदम पूरा शाम है, सनसेट हो चुका का। और आज दिन है और मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा या लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल का टाइम है। बाबू को ऊपर लेके आ गई और पानी भी डाल रही हूँ, छत्ते पे डाल देती हूँ, है ना। आज दिन कौन सा है, फ्राइडे है और कल बाबू को सुई भी लगाना है, मतलब टीका दिलवाने जाना है, तो देखती हूँ। और ये ब्लॉग तो चला जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा शायद, ये संडे को ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग इसे संडे को देख रहे हो। तो ठीक है, बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही तक, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय बुग्गो, और बोल दो सबको गुड नाइट, मामा मौसी गुड नाइट।